गाइस पिछले 5 दिन से जो ड्रामा चल रहा था कामराज वर्सेस हितेशा चंद्रानी, आपको बता दें कि बेंगलोर की रहने वाली मॉडल से मेकअप आर्टिस्ट बनी हितेशा चंद्रानी, जिन्होंने जिमोटो डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाया था, शिकायत की थी और उसके बाद मामला उल्टा नजर होता आ रहा है। आपको बता दें कि जिमोटो डिलीवरी बॉय कामराज ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करी है। हितेशा चंद्रानी ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और थप्पड़ मारा और झूठे आरोप लगाए, मुझे बदनाम किया। कामराज की शिकायत पर हितेशा चंद्रानी के खिलाफ आईपीसी धारा 155 हमला करने, 504 अपमान और 506 आपराधिक धमकी के आरोप पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है और हितेशा फंसती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, अगर ये सच है तो काफी गलत बात है, गालियां दी ये भी गलत बात है और बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई। ये FIR कामराज की शिकायत पर दर्ज हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन ने फिलहाल मामले को दर्ज भी कर लिया है और अगर वो मामला दर्ज हुआ है तो हितेशा फंसती नजर आ रही है और उम्मीद है कि वो अरेस्ट भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि कामराज के सपोर्ट में सोशल मीडिया खड़ा होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और लोगों को लग रहा है कि यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट हितेशा चंद्रानी सिर्फ पॉपुलरिटी पाने के लिए एक गेम खेल रही थी, और अगर ऐसा कुछ है तो बाय गॉड मैं भी चाहूंगा कि केस पूरी तरीके से समझा जाए, उस पे कार्रवाई हो और हितेशा अगर गलत है तो उन पे सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लड़के हैं जो लड़कियों की एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब की दुनिया चैनल सब्सक्राइब करिए।